राजमाता सिंधिया स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक रिकॉर्ड समय बनकर तैयार हो गया है। जल्द ही इसे खिलाड़ियों के उपयोग के लिए शुरू किया जाएगा। उज्जैन में बना यह प्रदेश का तीसरा सिंथेटिक ट्रैक है। इस सिंथेटिक ट्रैक को बनने के लिए स्पेशल मटेरियल विदेश से मंगवाया गया है। भोपाल और इंदौर में पहले से इस स्तर के ट्रैक उपलब्ध है। उज्जैन में दौड़ने के लिए 400 मीटर का गोल्ड ट्रैक और 100 मीटर का सीधा ट्रैक बनाया गया है, जिसका अगले माह गुड़ी पड़वा पर या इसके आसपास की तारीख में लोकार्पण किया जा सकता है। यही रिक्त भूमि पर 11.50 करोड़ रुपए से इंडोर स्टेडियम बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ट्रैक का निर्माण मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने अगस्त 2021 में प्रारंभ किया था। निर्माण के लिए 7 करोड़ 20 लाख रुपए खेल मंत्रालय ने एथलेटिक खिलाड़ियों की सुविधाओं की मांग पर स्वीकृत किए थे। पुलिस हाउसिंग के ये वेदांत जादोल और सब इंजीनियरिंग प्रिया भाभोर के मार्गदर्शन में प्रथम चरण में 1.70 करोड़ रुपए से नींव भरने का काम 1 साल पहले पूर्ण कर लिया गया था। दूसरे चरण में डामर रबर बेस्ड सिंथेटिक्स लेयर चढ़ाने का काम कुछ देर से ही शुरू हुआ था। इसकी वजह निर्माण एजेंसी मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को 5 मरतबा निविदा निकालने पर ठेकेदार का चयन नहीं हो पाना है, क्योंकि हर बार निर्माण लागत 4.37 करोड़ रुपए से अधिक कीमत पर काम करने का प्रस्ताव कंस्ट्रक्शन फर्म की ओर से मिल रहा था और कॉरपोरेशन 1 रुपया अतिरिक्त खर्च किए बगैर ही यह काम करने की इच्छा रखता था। इसके बाद दिल्ली के कॉन्ट्रेक्टर फर्म द ग्रांड स्पोर्ट्स ने निर्धारित प्रस्ताव पर ही काम करने की हामी भरी और इसे ही कार्य करने को दिया गया। द ग्रांड स्पोर्ट्स को 18 फरवरी से पहले काम पूर्ण करके देना था। निर्माण एजेंसी ने तय समय सीमा में काम पूर्ण किया है। असिस्टेंट इंजीनियर वेदांत जादव ने मीडिया को बताया है कि इस काम को करने का हमारा अनुभव था। सिविल वर्क में भवन तो काफी बना है, मगर सिंथेटिक ट्रैक बनाने का पहला काम किया है। अब सिर्फ 400 मीटर लंबे सिंथेटिक ट्रैक पर 8 लेन की मार्किंग करना है। ये काम सप्ताह भर में हो जाएगा। इस ट्रैक में विशेष मटेरियल का उपयोग किया गया है, जिसको विदेश से मंगवाया गया है। इस ट्रैक पर रनिंग के दौरान खिलाड़ी घायल नहीं होंगे। उज्जैन जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल ग्राउंड नहीं होने की कमी को खिलाड़ी और खेल संगठनों द्वारा समय समय पर उठाया जाता रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस ट्रैक के बनने से खिलाड़ियों को जिले के बाहर जाकर प्रैक्टिस नहीं करना होगी, साथ ही खिलाड़ियों के खेल का स्तर सुधरेगा। अभी वर्तमान में EPDM के लेयर, जैसे कि आप देख रहे हैं कलर, इसका जो रेड ब्रिक रेड कलर था वो हम कर चुके हैं। अब इस पर मार्किंग ऑन आए, जो कि IAAF जो होते हैं इंटरनेशनल एथलेटिक नियम जो होते हैं उनके अनुसार अब इसकी मार्किंग की जाएगी, जिसमें 8 लेन बनाई जाएगी। स्टेपल चेस के लिए कुछ मार्किंग की जाएगी, जेवलिन थ्रो के लिए मार्किंग की जाएगी और लॉन्ग जंप के लिए कुछ मार्किंग की जाएगी। वो मार्किंग होने के पश्चात ही, मतलब मेरा अनुमान है, एजेंसी से मेरी जो बात हुई है उसने कहा है कि 7 दिन इस कार्य में लगेंगे मार्किंग के। उसके पश्चात हम स्पोर्ट्स विभाग को कभी भी हैंड ओवर कर सकते हैं, वो जब चाहें शुरुआत कर सकते हैं।